जय श्री राम दोस्तों, आज हमारा 30 डे जिम वर्कआउट सीरीज का 14th डे और आज हम करेंगे अपना ट्राइसेप्स का वर्कआउट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कआउट। तो स्टार्ट करेंगे क्लोज ग्रिप पुशअप से। इसके लिए आपको डायमंड पुशअप बोलते हैं इसको, इस पोजिशन में आ जाना है और पुशअप्स लगानी स्टार्ट करनी है। ये आपके ट्राइसेप्स के वार्म अप के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है वार्म अप सेट के लिए। तो आपको इसके 15 से 20 रैप करने हैं एक सेट में और कम से कम 4 सेट आपको लगाने हैं इसके। धीरे धीरे स्लोली करना है आपको और आपका ट्राइसेप्स का मसल रेडी हो जाएगा इस वार्म अप सेट से। तो ये आपको ज़रूर करना है वार्म अप सेट। तो हमेशा वार्म अप एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए जब भी आप कोई वर्कआउट स्टार्ट करें, ताकि आपका मसल रेडी हो सके वर्कआउट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ट्राइसेप्स का वर्कआउट। पहली एक्सरसाइज हम करेंगे वी बार। वी बार से पुल पुश डाउन। इस पोजीशन में आपको आ जाना है, कमर सीधी रखनी है और सारा मूवमेंट ट्राइसेप्स का होना चाहिए लाइक दिस। ये हमारी पहली एक्सरसाइज है। इसमें आपको ट्राइसेप्स का मूवमेंट रखना है, कमर नहीं हिलानी है, कमर सीधी रखनी है बिल्कुल और स्टार्ट कर देना है। होप आपको समझ आ रहा होगा कैसे करना है ये। तो आप हर बार अपना पैटर्न जरूर चेंज करना, इससे आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है और मसल का साइज भी बढ़ता है। तो ये था हमारा आज का पहला वर्कआउट ट्राइसेप्स के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी आती है रोप ओवर हेड एक्सटेंशन। इसमें आपको ये पोजीशन लेनी है और एल्बो को ज़्यादा वाइड नहीं करना, क्लोज रखना और स्टार्ट कर देना है। इसके आपको 4 सेट करने हैं, रैप्स आप अपने हिसाब से कर सकते हो, मिनिमम 10 रैप तो आपको करने हैं। और ये आपके ट्राइसेप्स के मसल्स की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाती है इस एक्सरसाइज से। आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, साइज तो डेफिनेटली बढ़ेगा ही। अगली एक्सरसाइज हमारी आती है रोप पुश डाउन। रोप पुश डाउन में आपको रोप लगा लेनी है, ऐसे ग्रिप करनी है इसको, ऐसे खींचना है और आपको बिल्कुल धीरे धीरे करना है और नीचे जाके होल्ड करना है। 1 सेकंड का होल्ड आपको लेना है ताकि आपका मसल अच्छे से पंप कर सके और स्ट्रेंथ आपके मसल की बढ़ पाए। बिल्कुल सेम यही आपको करना है और ज़्यादा हाथ ऐसे वाइड नहीं लेके जाने, एक जगह हाथ स्टिल रखना है और खींचना है। ये था हमारा अगला वर्कआउट। हमारा आता है क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। वो हम डिक्लाइन बेंच पे करेंगे। क्लोज पकड़ लेनी है रोड को, नीचे लाना है स्लोली 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 ऊपर जाना है। आपको सारा वर्कआउट धीरे धीरे करना है ताकि आपकी मसल्स पे ज़्यादा इफेक्ट आ सके। नीचे ला के सीधा पुश करना है। ये आपके ट्राइसेप्स के मसल के लिए एक बहुत ही यूनिक एक्सरसाइज है। इससे आपको मसल्स बहुत अच्छे से पंप होगा और उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। नीचे लाना है, ऊपर जाना है। अगला वर्कआउट हमारा आता है ट्राइसेप्स पुश डाउन। इसमें आपको कमर सीधी रखनी है, ये पोजीशन, ये मोमेंट आपको रखना है और ट्राइसेप देखो किस तरीके से ट्राइसेप्स का मूवमेंट होगा ट्राइसेप्स का। तो इसका आपको 4 सेट करने हैं और रैप आप मिनिमम 10 तो करना और अपने हिसाब से और वेट अपने हिसाब से लगा लेना, यह आपका मूवमेंट रहेगा इसमें। अगला वर्कआउट आता है हमारा रिवर्स डिप्स फ्लैट बेंच पे। ये हमारे आज के वर्कआउट की आखिरी एक्सरसाइज है। इसमें आपको इस पोजीशन पे आ जाना है और ट्राइसेप्स को बिल्कुल टाइट कर लेना और डिप्स लगानी है रिवर्स लाइक दिस 1। इसमें आपको एल्बो को ज़्यादा वाइड नहीं करना, सीधा सीधा मूवमेंट रहेगा आपके ट्राइसेप्स के मसल्स पे। पूरा पूरा आपका ट्राइसेप्स का मसल स्ट्रेच होना चाहिए, पूरा मसल एंगेज होना चाहिए। और ये हमारी आज के वर्कआउट की आखिरी एक्सरसाइज है। इसके बाद हम अपना आज का वर्कआउट ख़त्म करेंगे। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।